सवाल चर्चा करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एक्चुअली ना सक्सेस को डिफाइन करना ही बहुत ज़रूरी है, इसके सीक्रेट्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली सफलता होती क्या है। कभी कभी हम ऐसी चीज़ को सफलता मान लेते हैं जो सफलता एक्चुअली होती नहीं है। तो अगर आपका गोल ही क्लियर ना हो फिर तो आप जो भी करेंगे इट इज़ फ्रूटलेस, राइट। जैसे कि एक समय दो लोग थे, क्या एक क्या कर रहा था, एक गड्ढा खोदता था, दूसरा उसे मिट्टी डालता था। पहला वाला फिर मिट्टी हटाता था, दूसरा वाला मिट्टी से उसको भरता था। तो इस तरह से ये लोग लगे हुए थे। तो तभी ना वहाँ पर एक आदमी आया, उसने कहा भाई आप लोगों को टाइम पास करने का और कोई तरीका नहीं मिला, एक फावड़े से अपना मिट्टी हटाता है, दूसरा फावड़े ले से मिट्टी डाल देता हूँ। उसने कहा नहीं जी नहीं, हमारी तीन लोगों की टीम है, पहले वाले का काम है मिट्टी खोदना, दूसरे वाले का काम है उसमें बीज डालना, तीसरे वाले का काम है मिट्टी डालना। आप दूसरा वाला आया नहीं, हमने सोचा हम तो अपना काम करें। तो अगर आपने बीज ही नहीं डाला तो सारा काम क्या हो गया, इट्स यूजलेस एफर्ट, किसी काम का नहीं, मतलब फ्रूटलेस हार्ड लेबर। तो कभी कभी लोग दुनिया में ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। तो हम जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन किसके लिए यही नहीं पता होता। अगर गोल ही क्लियर ना हो तो आप जो कुछ भी करेंगे इट इज ऑल फेलियर। जैसे मान लीजिए अगर क्रिकेट ग्राउंड सॉरी अगर फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं बड़े एंथुजियास्टिकली, पेनल्टी भी हो रही है, पेनल्टी कॉर्नर भी हो रहा है, फ्री किक भी हो रही है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन ना दोनों जगह पर गोल पोस्ट नहीं है, तो ये मैच मीनिंगफुल मैच है या मीनिंगलेस मैच है? मीनिंगलेस मैच है। अगर ट्रेन में कोई चढ़े और कोई उससे पूछे भाई साहब ट्रेन में चढ़े आप, ट्रेन में क्यों चढ़े, और व्यक्ति बोले जी सब चढ़े भी चढ़ गए, अच्छा तो आप जाएंगे कहाँ पर, जहाँ सब जाएंगे हम भी जाएंगे, बहुत बढ़िया जी क्या बात है। ऐसे को हमसे पूछे आप क्यों जी रहे हो, सब जी रहे हैं हम भी जी रहे हैं, चल लाइफ में आपको करना क्या है, आप सब करेंगे हम भी कर लेंगे। तो ट्रेन वाले आदमी को अगर आप पागल बोलेंगे तो इस आदमी को क्या बोलेंगे फिर, पागल। दुनिया में 99.99% लोग पागल ही हैं, लेकिन पागलों की खास बात होती है पागल खुद को पागल नहीं मानता, हम गाय के पागल, तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हम कैसे पागल। पागल आदमी कभी खुद को पागल नहीं मानता, लेकिन दुनिया में अगर आप पूछें रैंडमली आप कोई रोड पे बंदा चल रहा है ना, एनीवन किसी से भी पूछ के देखें आप, सर आप क्यों जी रहे हैं, हैं बाप ए मतलब कि जो मतलब होता है कि बच्चों की शादी कराने के लिए जी रहे हैं, जीनियस। ये ताली वाली बात नहीं है वैसे, लोगों मतलब उनको होश ही नहीं लाइफ में क्यों जी रहे हैं वो। तो इसीलिए कभी कभी हमको सक्सेस चाहिए होती है, लेकिन ना हमें सक्सेस पता होनी चाहिए सक्सेस एक्चुअली है क्या। अगर फाइनेंशियली बहुत बढ़िया होना अगर यही सक्सेस है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि ना फाइनेंशियली दे आर वेरी वेल ऑफ, बहुत बढ़िया कंडीशन है उनकी, लेकिन वो करते क्या है, कुछ नहीं, अब बढ़िया क्वालिटी की दारू पीते हैं। सफल होने का मतलब है झंडे गाड़ना और उस झंडे के नीचे बैठ के अच्छी क्वालिटी की विदेशी दारू पीना। नहीं 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 ये ताली वाली बात नहीं है, नहीं नहीं मेरे भाई और बहनों, नहीं ये सफलता नहीं है, पर यूजली हम इसी को सफलता मानते हैं, कहते वो तो सफल हो गया यार, बंदे की लाइफ तो सेट हो गई भाई, सेट हो गई भाई, अरे वो ये वाला सेट हो रखा है वो, दैट्स इट। तो एक्चुअली हमें सफलता का पता ही नहीं होता, जिसको हम सफलता मानते हैं, जो लोग वहां सफलता पे पहुंच चुके हैं एक बार उनका हाल तो देखो भाई, बढ़िया कमाते, थोड़ा बढ़िया वाला नशा करते हैं और कुछ नहीं। आप बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा सीधी लाइन कौन बनाता है, सबसे सीधी लाइन चर्सी पाउडर होता है ना, पाउडर की लाइन एकदम सेट करता है। अरे भाई सफल है यार, बंदा सीधी लाइन खींचता है, क्या पर क्या है सफलता है, तो हमें खुद को पता नहीं होता। सो दैट इज कहीं ना कहीं हमें सफलता की डेफिनेशन को क्लियर करना है। एक्चुअली सफलता का मतलब पता क्या है, अगर आप जीवन में हृदय से खुश हैं वो सफलता है।
ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आप हृदय से, नकली वाला नहीं, प्लास्टिक स्माइल वाली खुशी तो कई लोग दिखा लेते हैं। मैं एक बार फ्लाइट में था, आई वॉज ट्रैवलिंग सो एमिरेट्स के अंदर, वहाँ पर एक एयर होस्टेस थी, आई मेरे पास बिग स्माइल, कैसे वी लाइक अ वेज नॉन वेज सर, पूरा जबड़ा दिखाया उसने मेरे को। मैं कहा नो, आई हैव माय स्टफ, थैंक यू वेरी मच, नो थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद मैं भगवदगीता पढ़ा था, कुछ समय बाद मेरे को ईजी होने के लिए जाना था, मैं गया तो सेम एयर होस्टेस रो रही थी, Why me यार, why me, I was so loyal to him, but this person रो रही थी। तो मुझको लगा, बुरा लगा, मैंने कहा यार लड़कियां बेचारी सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, लड़कियां बदमाश हैं सबके सबके। अब यही एयर होस्टेस कुछ समय बाद अगली सीट पे थी, सर लाइक टू वेज नॉन वेज सर, ये स्माइल में जान है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है, किसने बोला है? वो थोड़ा थका हुआ है आज, तो ऐसी थकेली मुस्कान वाली खुशी नहीं। अगर आप जेन्युइनली हृदय से खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, देन यू आर सक्सेसफुल। कौन सा प्याला छलकता है? जो ऊपर तक भरा होता है ना, वो छलकता है। तो हम छलक करके औरों की सेवा कर पाएं, औरों की दुनिया जिंदगी में खुशियां भर पाएं, ये सफलता है वास्तव में। बोला था ना, कम ऑन यार, बी हैंडसम मैन, हैंडसम, कम ऑन, आई वांट बी हैंडसम। हैंडसम का मतलब गिव योर हैंड टू सम। अगर आप ये कर पा रहे हैं, देन यू आर हैंडसम। ये सिक्स पैक वाले तो होते हैं कहीं, वो लल्लू लाल हैंडसम है। असली हैंडसम वो है हु कैन गिव हिज हैंड टू सम। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू विद? यूजुअली लड़के से लड़कियों को करवाते हैं, कैन आई हेल्प यू? औरों के लिए भी कह रहा हूँ मैं, सबके लिए। देन वी कैन ऑफर आवर सेल्व्स टू अदर्स। और हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग कब होते हैं? जहाँ अपने आप में तृप्त होते हैं। यस, तो इससे सफलता क्या है, कहीं ना कहीं हमें जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में सेटिस्फैक्शन हो, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन हो, इसके लिए हमको डिस्करेज आता है। Why be satisfied, Baba? Why be satisfied? Never settle. One plus. Never settle. तो होता है, मतलब तड़पती आत्मा रहे हम। Yes! तुम तड़पते रहो, हमारे मोबाइल खरीदते रहो। Never settle. पर जो लोग कभी खुद सेटल नहीं होते, क्या वो औरों को सेटल कर सकते हैं? नहीं। तो कहीं ना कहीं जो खुशी का की जो अनुपस्थिति है, खुशी के बारे में ज्ञान ना होना, उसकी वजह से हमारे पास ये रॉन्ग डेफिनेशंस आती हैं। सफलता मींस इफ आई एम फाइनेंशियली टनाटन, मेरे पास पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, एरिस्टोक्रेसी है, कंफर्ट्स हैं, सफल है बंदा भाई, सफल है। देखो उनका क्या सफल है, लाइन सीधी खींच लेता है वो, ये सफलता है उसकी। क्या बात है। सो दैट्स वाई सफलता की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए हमें। अब ये सफलता भला आएगी कैसे? So what's the secret of success? ठीक है जी, तो मैंने इसको एक acronym के रूप में compile किया है, secret, SECRET। अगर हमें सफल होना है तो secret को follow करना पड़ेगा। So किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए we have to do some kind of management. So there are some collection of six managements. अगर हम उनको follow करेंगे then we can actually be successful. तो पहला है SECRET में, पहला letter है S. तो अगर आप चाहते हैं सफल होना, उसके लिए बहुत जरूरी है S stands for self management। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो आप कुछ मैनेज नहीं कर सकते। चैरिटी बिगिंस एट होम, कौन कौन मानता है इस बात को? रॉन्ग, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा मैं दुनिया बदल दूंगा। यस, अरे दुनिया में कोई बात सुनता ही नहीं उसकी, दुनिया वाले बातें सुन रहे हैं मेरी यार, कमाल की बात है। मैं देश बदल दूंगा, देश में कोई बातें सुन रहा है मेरी। मैं अपना शहर बदल दूंगा, शहर में कोई बातें सुन रहा है उसकी, कमाल की बात। मैं अपनी सोसाइटी बदल दूंगा, सोसाइटी में कह रहे चोपड़ा साहब जाइए, सोसाइटी में कोई मेरी बातें सुन रहा है। मैं अपना परिवार बदल दूंगा, परिवार वाले प्लीज पापा प्लीज, अरे ठीक है, मैं खुद को बदल दूंगा। जब उसने खुद को बदला तो उसको देख करके उसका परिवार बदला, उसका परिवार बदला, उसको देख देखिए सोसाइटी बदली, सोसाइटी बदली तो धीरे धीरे शहर बदला, शहर बदला तो देश बदला, देश बदला तो दुनिया बदली। लेकिन दुनिया बदलती कैसे है? पहले खुद को बदल के। उसी प्रकार से अगर हम मैनेज करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, सक्सेस को,
तो सबसे पहले मैनेज किसको करना पड़ेगा? सेल्फ को. यस. इसके बाद मैं जितने भी आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूं SECRET में, सेल्फ मैनेजमेंट तो सभी का हिस्सा है, सभी का हिस्सा है. इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. फर्स्ट वी आर टू मैनेज आवर ओन सेल्स. जिसका खुद का बेड़ा गर्क हो रखा है वो क्या बेड़ा पार करेगा किसी का? एब्सोल्युटली नॉट. सो पहले खुद को मैनेज करना. अब लाइफ में ना वैसे बताया गया शास्त्र के अनुसार देयर आर फ्यू अर्जेस, कुछ वेग हैं जिनको कि हमें संभालना चाहिए. ठीक है, एक तो हो गया खुद का वेग यानी इंद्रियों का वेग. अब देखिए लाइफ में हम रिश्ते खराब कब करते हैं? जब इंद्रियों के वेग लेफ्ट राइट होते हैं तो मुंह से फिर जब AK-47 AK-56 राइट टोपाज 7 o'clock जब ये मुंह से निकलते हैं तो रिश्ते खराब होते हैं. राइट. और जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जिसका मन उसका उसके वश में, आप देखो उसके ना सब दोस्त हैं, उसके सब मित्र होते हैं. रीजन भी उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं. तो पहला जो वेग है जो कि हमें संभालना है एज अ मैटर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट वो है इंद्रिय वेग, इसको संभालना चाहिए. दूसरा जो वेग है वो है द्वंद्व वेग. द्वंद्व वेग का मतलब होता है डुअलिटीज को संभालना. डुअलिटीज कैसी होती हैं? कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम. डुअलिटीज, कभी सफलता आएगी कभी विफलता आएगी, कभी कभी यश आएगा कभी अपयश आएगा, कभी उतार आते हैं तो कभी चढ़ाव आते हैं, गुड टाइम्स बैड टाइम्स, डुअलिटी. तो द्वंद्व वेग यानी कि डुअलिटी को सहना जरूरी है. जैसा देखा कुछ लोग सर्दियों में तड़प जाते हैं, कहते हैं सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, सुबह उठना बंद, 8 बजे 9 बजे उठना. गर्मियों में उठते हैं जी हम, सर्दी में नहीं उठते जी. ये द्वंद्व के वेग को नहीं संभाल पा रहा. और कुछ लोग गर्मियाँ नहीं संभाल पाते, कुछ लोग सर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं. पर लाइफ में प्रॉफिट लॉस यश अपयश खुशी दुख, इसकी डुअलिटी हमेशा बनी रहेगी. तो इसलिए द्वंद्व वेग को संभालना ये सेकेंड है. तीसरा है परोत्कर्ष द्वंद्व या वेग, यानी कि किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके खुश होना. किसी को आगे बढ़ता देखकर क्या होता है? अबे तेरे, उसका भी हो गया क्या? कोई नहीं यार, हर कुत्ते का दिन आता है, इसका भी आगे चल रहा है. पर उत्कर्ष वेग यानी किसी को आगे बढ़ता देख करके हृदय में खुशी आना. अरे अरे बहुत अच्छा यार, सो नाइस, कंग्रेचुलेशन. पर ये बोल पाते हैं? बोलते भी हैं तो भारी चलांग बोलते हैं, हाँ भाई अच्छा भाई बढ़िया बढ़िया यार, चलो कोई नहीं, चलो बढ़िया यार, करो करो करो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा. लेकिन अंदर चल रहा होता है अब यार इसका हो गया. ईर्ष्या री ईर्ष्या. सो ईर्ष्या के वेग को सहना ये भी जरूरी है. चौथा वेग होता है पर मत वेग, यानी कि दूसरे के मत को स्वीकार करना. समटाइम्स वी आर सो मच कन्विंस्ड बाय आवर सेल्व्स, हम अपने आप से इतने कन्विंस्ड होते हैं कि हम दूसरे वाले के व्यक्ति के मत को नहीं मानते. भैया हम जीनियस लोग हैं. और यूजली जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, आप देखेंगे ऐसे लोग ना अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी को नहीं मानते. कहता है ये बेवकूफों की दुनिया है, भगवान ने एक ही असली माल बनाया. सो पर मत का वे यानी कि दूसरे व्यक्ति के मत को, उस व्यक्ति की भी ओपिनियन को लेकर चलना, इवन दो यू थिंक दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ये भी एक वेग है. तो ये चार वेग हैं जो कि हमें संभालने पड़ते हैं एज अ मैटर ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. जैसे हम लोग जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, वी फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. पर ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल, इसको प्रभुपाद जी बोला करते थे हमारे फाउंडर आचार्य, दे आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम. एक मिनट भैया, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, या तो फ्रीडम होगी या प्रिंसिपल्स होंगे, प्रिंसिपल होंगे तो फ्रीडम नहीं हो पाएगी. और फ्रीडम के लिए नो प्रिंसिपल्स मैन, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, फ्री लाइफ, जा सिमरन जा, जीले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जीले अपनी जिंदगी, नो रेगुलेशंस. आप देखते लोगों ने कभी पतंग उड़ाई है? किसी को पतंग उड़ाते देखा है? धागा जो है वो पतंग को ऊंचा उड़ने मदद करता है या उसमें बंदिश है? वो बंदिश है, वो मैंने बोला बंदिश है, कभी पतंग नहीं उड़ाई उन्होंने. अगर पतंग को हवा में रहना होता है तो उसके लिए धागे से जुड़ना होता है, तभी वो ऊंची उड़ पाती है. नहीं तो किसी ने मंजे से खींच दे गई पतंग, गई. सो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसी तरह से, जो नियम है जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, वी फॉलो दिस. पर दीज आर द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम. हम ज्यादा ऊंचाइयों पर जा पाते हैं डिसिप्लिन के द्वारा.
सोचे अगर रोड से ना सारे ये रेड लाइट हटा देंगे, तो हटा दो इन बंदिशों को, ये लाल बत्ती हरी बत्तियां, खुल के ड्राइविंग करिए। पहुंच जाओगे आप? अगर किसी एक बत्ती पे रेड लाइट जब हटती है ना, या वहां वहां दोस्तों सेल वीक हो गया, ओ देखो पीछे तक जाम, पैं 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 पैं, अबे तेरे बाप की रोड है, सब ही बोल बाल करके वहीं खड़े होते हैं। बढ़िया, और हाई क्वालिटी वाली गाली आपने ना, वो हाई क्वालिटी वाली जो पीएचडी वाले जो बोलते हैं ना, जबरदस्त। बस दैट्स इट। रेड लाइट होने से मूवमेंट फैसिलिटेट होती है, धागे से पतंग फैसिलिटेट होती है, उस तरह से लाइफ में डिसिप्लिन लाने से लाइफ फैसिलिटेट होती है। ये बंदिश नहीं है, ये रादर हमको ये ग्रो करती है, ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करती है रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए डिसिप्लिन लेकर के आना ये बहुत अधिक आवश्यक है। अगर डिसिप्लिन लेके आएंगे वी कैन नॉट डू एनीथिंग, चाहे स्पिरिचुअलिटी की बात करें या आपके करियर की बात करें, विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। नथिंग मींस नथिंग। और लोगों को चाहिए कि भाई, कहते हैं भाई प्रिंसिपल्स नाउ लाइफ में आजाद जिंदगी हो। आई आस्क समबडी कि तुम कैसी जिंदगी चाहते हो, कहते हैं मैं ये चाहता हूँ फास्ट स्पीड इंटरनेट हो और लाइफ में कुछ करने का ना हो, दैट्स इट। उसी से मैं अपना जोमैटो से खाऊंगा पीऊंगा, पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखूंगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो बैठूंगा, डिज्नी हॉटस्टार, बस जिंदगी में मुझे कुछ नहीं करना। क्या कुछ कर सकता जिंदगी में? कुछ नहीं। भले को भले ना, कम ऑन लेट्स एंजॉय लाइफ। एक्चुअली कुछ समय बाद ना मूवीज ही प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। जिन लोगों ने मूवीज देखी उन्होंने कहा है पता है ये मर्डर होगा, ये जो बोल रहा है ना, जो बड़ी आदर्शवादी बातें कर रहे थे, ये मरने वाला है, ये मरने वाला है। कुछ समय बाद तो मूवीज प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, कोई सोचा भाई मूवीज में वी विल एंजॉय। सो इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट करना ये बहुत अधिक आवश्यक है। सो एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, यस। नाउ ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट मैनेजमेंट। किसी भी प्रकार की सक्सेस हो, प्रयास के बिना तो लाइफ में आगे बढ़ना असंभव है। प्रयास तो करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए सिंह के मुंह में तो हिरणी प्रवेश नहीं करता। तो हर जगह कुछ ना कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। कुछ लोग लगता है ये जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, ये निठल्ले होते हैं, इनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है, इनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है। मेरे इसमें एक बॉस मेरे को मिला था और कहता है अब तो सही लाइफ में कुछ नहीं रहा होगा यार, पहले तो भाई तो बहुत काम करता था। अब मैंने कहा सर आपके अंडर जब काम करता था ना तो 5 days week काम करता था, अभी 7 days week है, कोई छुट्टी वुट्टी होती नहीं हमारी, यहाँ संडे है, आज अमोघ लीलापुर सोएंगे। हरगिज नहीं, बल्कि अब तो ये, बल्कि जब से अभी इंटरनेट टीचिंग चली है, इंटरनेट पे जो आप उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, न्यूजीलैंड वाला भी आपको अप्रोच करता है, प्रभु जी हमारे न्यूजीलैंड के भक्तों के लिए टीचिंग करेंगे आप, कब देना लेक्चर, कहते हैं आपके ISTE इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात ही 11 बजे। अच्छा रात ही 11 बजे, वेरी नाइस। तो एफर्ट्स तो सबको करने पड़ते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं, ऐसा नहीं वो आलस की जिंदगी जिएगा, ना 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 ना, हमें क्रियाशील तो होना पड़ता है। इवन शरीर को अगर आपको स्वस्थ रखना है क्रियाशील होना पड़ता है। अब देखिए जिनका यहाँ पृथ्वी निकल रही है, पृथ्वी निकलने का कारण क्या है? एफर्ट्स ही नहीं है। इवन शरीर को मेंटेन करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। भाई आप भटूरे खाएंगे और शरीर नहीं लाएंगे तो भटूरा तो निकलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए इवन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। लाइक बचपन में हम स्टोरी सुना करते थे, एक कौआ था, उसको बहुत प्यास लगी थी, एक मटकी थी, मटकी में पानी बड़ा नीचे था, उसने मुझे पानी पीना है, फिर वो पेबल्स लेकर के आता था, उसमें डालता था, पानी का लेवल ऊपर हुआ, फिर कौए ने पानी पिया। एफर्ट्स, लेकिन एफर्ट्स के पीछे, एफर्ट्स तो सभी करते हैं, उग्रवादी भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। तो एफर्ट्स के पीछे उससे भी इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो है इंटेंशंस। इफ योर इंटेंशंस आर नॉट गुड देन यू विल बी इन टेंशन। इंटेंशंस, आपकी भावनाएं कैसी हैं, बहुत जरूरी है। लाइक हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए, अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं एट द एज ऑफ 70 व्हाटएवर इज डूइंग, उनकी इंटेंशन क्या है, उनको क्या मिलना है? ही वाज इन वृंदावन, ही वाज वेरी हैप्पी। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यूएसए गए हैं, यूएसए में आप जहां भी जाएंगे ना, अगर होटल के आसपास से कहीं गुजर गए, बीफ की बदबू आती है। तो एक वृंदावन है जहां पर तुलसी की खुशबू है और एक अमेरिका है जहां पर बीफ की बदबू है। कैन सी द डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंडीशन ऑफ लाइफ। लेकिन इतना बड़ा चेंज वो लेकर के आए बिकॉज ही इज सो सेल्फलेस।
सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ जब मेहनत करते हैं ना, उस मेहनत का अपना ही आनंद है एक्चुअली। हमारे श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे थे ना, अब इनको पता नहीं कि गुरु का जो बर्थडे होता है उसको व्यास पूजा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा बर्थडे, इट्स बर्थडे, इट्स स्वामी जी बर्थडे। तो उन्होंने केक लेकर के आए, केक ऊपर केक, उसके ऊपर कैंडल लगाई और पूरे कमरे में अंधेरा रखा हुआ था। हमारे श्री प्रभुपाद जी अंदर एंटर किए तो लाइट जलाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वामी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनको नहीं पता व्यास पूजा होती, गुरु की व्यास भी व्यास पूजा चल रही है। यानी स्वामी जी वी हैव गॉट अ केक फॉर यू। इसके ऊपर हमने ये अगरबत्ती हमने जला, सर अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती, अगरबत्ती जलाएंगे हमने, हमने मोमबत्ती जलाई। आप आँख बंद करिए और जो भी आपकी इच्छा हो आप मांगिए और फूंक मारिए। हमारे श्री प्रभुपाद जी वेरी सिंपल, नो ईगो, कहते हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके ऑलराइट। तो फिर उन्होंने आँख बंद की तो सबने पूछा स्वामी जी क्या मांगा। तो हमारे श्री प्रभुपाद जी ने कहा मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, मैं तो बस ये मांगा कि मैं अमेरिका में आया हूँ, भगवान श्री कृष्ण के भगवद्गीता का ये संदेश और ये भगवान का नाम ये अमेरिकन स्वीकार कर लें, मैंने बस यही मांगा। तो मैंने कहा ओ स्वामी जी आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है ना, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सो ऐसा व्यक्ति जो कि एफर्ट्स करता है, लेकिन एफर्ट्स के पीछे जितने आप सेल्फलेस होते ना यू विल बी हैप्पी। आप जितने लोगों ने अनुभव किया कि आप जब कोई मंदिर आए और आपने ना सेल्फलेस सेवा की, आपने कहा प्रभु हमारे लिए कुछ सेवा दे दो हमें, और आपने कोई थोड़ा प्रसाद वगैरह बांटा, या आप शू स्टॉल पे थे आपने कुछ सेवा वगैरह की, अच्छा लगता है। किसी से अनुभव किया ये? अब देखा अक्सर लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग होते हैं वो, दे आर मिलियनेयर्स, पर वहाँ पर शू स्टॉल में होते हैं और सत्यनाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, एंड देन दे वुड पॉलिश द शूज, वो कर देते हैं वो, और वो अच्छे अच्छे घरों से हैं। कि निस्वार्थ भाव से सेवा करके बहुत संतोष मिलता है, बहुत संतोष मिलता है। हालांकि ये वाले लोग करते हैं ऐसे, लेकिन वंस इन ईयर करेंगे, जैसे हमारे मंदिर में आएंगे लेकिन वंस इन ईयर जन्माष्टमी में आएंगे, कोई सेवा है लेकिन वंस इन ईयर। लेकिन जो अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाता है कि मैं एफर्ट्स करूंगा लेकिन उसके पीछे इंटेंशन कैसी रखूंगा, सेल्फलेस, नो एक्सपेक्टेशन। जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतनी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं। मेरे पीछे बोलिए, जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाथ भी लाना है ऐसे आपको, जितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतनी फ्रस्ट्रेशन होती हैं। सो एक्सपेक्टेशन के साथ आप करिए उसमें इतना रस नहीं आता, लेकिन जितने आप निस्वार्थ होकर कार्य करते हैं ना उसमें रस आता है, मजा आता है उसके अंदर। क्योंकि एक्चुअली बीइंग अ सोल हमारा स्वभाव सेवा का ही है। भोग करके भी गिल्ट आता है, देखिए कई बार हम लोग भोग करते हैं, कहते हैं यार कर तो लिया यार लेकिन ठीक नहीं किया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो भोग करने के बाद अक्सर गिल्ट भी आता है, दैट मीन्स वो हमारा नेचर नहीं है एक्चुअली। और त्याग करने में भी ना सूखा सूखा लगता है, यार सब छोड़ छाड़ दिया यार, छोड़ो हर बार, चलो हरिद्वार, यार हरिद्वार तो आ गया यार, गंगा में नहा भी लिया, लेकिन ना वो दिल्ली के पकौड़े चांदनी चौक के पराठे वापस खींचते हो, यानी त्याग भी हमारे लिए नेचुरल नहीं है। लेकिन क्या चीज़ है जो कि हृदय को बहुत संतोष देती है? सेवा। सेवा करके हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए माँ से पूछो, जो माँ जो अपने अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है खुद गीले में सोती है, उसे पूछे क्यों कर रही है मैडम आप, रखिए इसको गीले में, आ रही हैं गंदे बच्चे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, बच्चा है मेरा। निस्वार्थ भाव से कोई भी सेवा करे, माँ बच्चे ही करती है या बच्चे माता पिता ही करते हैं, और अल्टीमेटली अगर हम भगवान ही करते हैं निस्वार्थ भाव से, अच्छा लगता है। जब जब इच्छाओं के साथ हम प्रभु के पास जाते हैं तब तो इतना रस नहीं आता। जैसे कई बार लोग रहते हैं ना चलिया रखते हैं, 40 दिन मंदिर जाएंगे, 40 दिन गुरुद्वारे जाएंगे, जाएंगे इच्छा पूरी करेंगे, उसमें रस नहीं आता इतना। जा रहे काउंटिंग करें कितने हो गए, या 25 हो गए, 15 और बाकी है, अच्छा उसमें रस नहीं आता। लेकिन जितने निस्वार्थ भाव से मंदिर जाते हैं सेवा करते हैं उतना अच्छा लगता है। ऐसी कोई भी एफर्ट्स के पीछे जो है चार मोटिवेशंस होती हैं। सबसे लो क्लास मोटिवेशन है फियर। जैसे मंदिर कह रही है, मान लो किसी ने फियर आउट ऑफ फियर भेजा, नहीं जा रहा ना तू मंदिर, नहीं जा रहा ना तू, तेरे को जो यमराज ने यमदूतों ने डंडे मारने हैं ना, ते लगा लगा के तेरे को इतनी दर्दें मिलेंगी तेरे को कि दर्द को भी दर्द हो जाएगा। अच्छा वो मैं जा रहे जा, 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 जा।
सो कोई भी एफर्ट करने का एक सबसे लो क्लास मोटिवेशन है फियर. जो डर गया वो मंदिर गया. पीके तो कुछ लोग आउट ऑफ फियर भी काम करते हैं या दे कम टू स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ फियर. इससे ऊपर जो है वो है आउट ऑफ डिजायर. कुछ लोग मंदिर आते हैं एफर्ट करते हैं लेकिन किसके लिए आते हैं? डिजायर, इच्छाएं. कहते हैं जी साढ़े पुत्र के लिए सोनी कुड़ी ढूंढनी सीखी. अच्छा कहाँ मिले? कहते हैं इस्कॉन टेम्पल में संस्कारी लड़कियां आती हैं. अच्छे लड़के इस्कॉन में शुद्ध शुद्ध गाय जैसे. तो कई लोग आते हैं मैट्रिमोनियल पर्पज के लिए. उनको कीर्तन ये वो भगवान कहता है उससे हमें को लेना नहीं है. कहते हैं ओ लड़की ठीक है मेरी. बेटा जी हरे कृष्णा कहाँ रहते हो? हम ना यहाँ रोहिणी में ही रहते हैं. अच्छा घर में कौन कौन है? ये मेरे हस्बैंड है. अच्छा हस्बैंड है बट ठीक है बात खत्म. ऐसे किसी लड़के से होता क्या? भगत लोग हैं सादा जीवन जीते हैं. भले ही वो बुढ़े हो चुके हो लेकिन वो ठीक ठाक दिखते हैं. उनको लगता है ये लग रहा है. ऐसे कई बार लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कहते हैं ये लड़का ठीक लग रहा है. वैसे मेरे को एक लड़की ने प्रपोज किया. हम बोली प्रभु जी अगर आपके जैसे वैष्णव से मेरी शादी हो जाएगी तो पति की सेवा भी हो जाएगी वैष्णव की सेवा भी हो जाएगी. मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहते मैं तो 21. मैंने कहा अगर 21 की उम्र मेरी शादी हो गई होती ना तो आज आपकी उम्र की मेरी बेटी होती और मैं उसके लिए लड़का ढूंढ रहा होता. मैं रोहिणी माता मैं भाई केशव भाई बहुत बेटी के लिए देखिए कोई लड़का आपके हाँ यूथ फॉरम का हो. भाई कहते ओह प्रभु जी आप इतने बूढ़े हो चुके हैं. मैंने कहा हाँ हम गंजे हैं ना इसलिए हमारे सफ़ेद बाल दिखते नहीं. ओह सॉरी 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 हमको पता नहीं था बूढ़े हो चुके. कहते हाँ बूढ़े हुए हाँ. सो दैट इज कभी कभी लोग आउट ऑफ डिज़ायर भी एफर्ट्स करते हैं राइट. पर लेकिन ये भाई से तो बढ़िया है लेकिन ये भी लेकिन लो क्लास है. इससे ऊपर है ड्यूटी. दैट मीन पीपल डू सम एक्टिविटी सम काइंड ऑफ एफर्ट्स बट आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी. ये अच्छा है फिर भी हालांकि आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी. लेकिन ड्यूटी के अंदर ना फीलिंग्स नहीं होती इमोशंस नहीं होते. सबसे ऊंची मोटिवेशन है आउट ऑफ लव. इस इमोशंस जान आती है व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स. सो दैट इज एफर्ट मैनेजमेंट. एफर्ट मैनेजमेंट सो एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट. ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स मैनेजमेंट. नाउ सी स्टैंड्स फॉर कंपनी मैनेजमेंट. सफलता में बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी कंपनी. आपकी संगति कैसी है? इसी कंपनी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है डिजायर मैनेजमेंट. हमारी इच्छाएं भी आगे पीछे होती है बिकॉज ऑफ द कंपनी. कई इच्छाएं हमारे अंदर नहीं होती पर आती हूँ कंपनी से आती हूँ. जैसे कहीं भोले भाले सीधे सारे लड़के आते हैं बिहार से यूपी से यहाँ से आते हैं तो सीधे सारे लड़के आते हैं मध्य प्रदेश. उसको कोई गलत हरकतें करने की इच्छा नहीं थी पर वो इच्छाएं भला कहाँ से आई? संगति से. मान लो गया कैवेंटर से बात कहता है भैया हमें दूध दे दो इलायची फ्लेवर. कहता अबे तू दूध पीता है? अबे धत तेरे की वो तो दूध पी रहा है क्या? अबे कहाँ गए तू? अबे दूध पीता है तू? अबे दूध अबे दारू पीने के दिन आ गए यार. कहता रियली? कहता अरे भाई बस अब ये भी शुरू करेगा. क्यों? ये इच्छा कहाँ से आई? संगति से. संगति से. जैसे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जब आ रहे होते हैं तो अगर उनकी संगति खराब है कहते कहाँ जा रहा है भाई तू? इस्कॉन जा रहा है क्या? भाई ये बता रहा हूँ ये कहीं कहीं छोड़ते लोगों को. कहीं कहीं छोड़ते हैं ये तेरे बाल है ना जो लहरा रहे हैं जिनमें तू कंडीशनर लगाते हो उड़ा देंगे. और ऐसे पीछे पोनीटेल लेके घूम रहा होगा तू. अबे मत जा अबे प्याज लहसुन छुड़वा देंगे भाई हमारे सारा प्यार तो प्याज में ही है. क्या कर रहा है? मत जा. अबे विदेशी संस्था पैसा बाहर भेजती. हमने सुना है इतना पैसा तो कोलगेट कंपनी बाहर नहीं भेजते इतना ये लोग भेज देते हैं. ये बात आ रही है कि मैंने जब वीवो का फ़ोन खरीदा था तो मैंने 40,000 रुपये चाइना भेजे थे लेकिन ये भी भेजते हैं यार. तो इसलिए ऐसी संगति यार आपको मिल गई फिर तो स्पिरिचुअलिटी में भी आप नहीं अब अगर आ गए कहा जा रहा है भाई माला पकड़ रहा है तू. अरे माला का हाथ तेरे हाथ में होना चाहिए था. क्या कर रहा है यार? कंपनी एसोसिएशन संगति
सीधा इम्पैक्ट करती है ये। बुरी संगति तो जल्दी कैच करती है, क्योंकि बुरी संगति ना बड़ी कन्विंसिंग होती है, बड़ी टपोरी होती है, एकदम झिंटा बिंदास होती है। तो लगता है यार सही बोल रहा है, यार सही बोल रहा है भाई, अबे विदेशी संस्था है ये, सही बोल रहा है भाई, नहीं बोल रहा है। अबे तो कहीं का नहीं रहेगा, धोती कुर्ता पहनाएंगे, पंडित जी बना देंगे तेरे को, अबे क्या कर रहा है, कहाँ से आते है? संगति, संगति। स्पेशली हमने देखा जो यंगस्टर्स हैं, व्हेन दे ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल, उन्हें घर वाले, कॉलेज वाले, हमने सुना है तूने माल वाला पकड़ लिया यार, तूने क्या कर रहा है यार, पीपल डू दैट, ऐसी बात बोलते हैं। और अगर हमारा फेथ वैसे ही डामाडोल, वैसे ही हल्का फुल्का कोमल श्रद्धा, हिल जाती है श्रद्धा हमारी, और फाइनली श्रद्धा कपूर की और चली जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, संगति। वी शुड बी वेरी चूजी अबाउट एसोसिएशन। इफ यू आर नॉट चूजी अबाउट एसोसिएशन, यू बिकम चूजा। देखना चाहिए आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, एक्चुअली आप किन बातों पे हंसते हैं, इससे आपके चरित्र का पता लगता है। सस्ती चीप टुच्ची डबल मीनिंग वाली जोक्स वाली बातों पे कुछ वो इसी बात पे हंसी आ रही होती है, यहां हम कुछ इंटेलेक्चुअल बातों पे हम हंसते हैं, हम किन बातों पे हंसते हैं इससे हमारा चरित्र पता लगता है। हम किन लोगों के साथ हंसते हैं इससे हमारे चरित्र का पता लगता है। और हमारी लाइफ एक्चुअली पता क्या होती है, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ द टॉप 5 पीपल वी आर एसोसिएटिंग विद। आपके जिंदगी के जो टॉप 5 लोग जिनका आप संग कर रहे हैं, उनका उस एसोसिएशन का रिजल्टेंट आपका चरित्र है, आपका कैरेक्टर है, आपका वैल्यू सिस्टम है। तो देखना चाहिए हम किस तरह उठते बैठते, किस तरह हम क्या किन सा कर रहे हैं भला, वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, अपनी बुरी संगति में क्यों रम जाते हैं, रीजन बीइंग वो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं यार मैं भी नॉर्मल हूँ, मैं भी ना नॉर्मल हूँ, ये तुम एबनॉर्मल हरकतें करके जो मुझे बता रहे हो कि यही नॉर्मल होता है, मैं भी वही नॉर्मल ही। इस तरह से कभी कभी सोशली अपने आप को जस्टिफाई करने के चक्कर में हम वो कार्य भी कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे संगति देखिए, आपकी संगति किन के साथ है। अभी जो हिप्पीज थे, इनको संगति मिली हमारे श्रील प्रभुपाद जी की, कंप्लीटली चेंज लाइफ। मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट हैरान कि जिन हिप्पीज को हम नहीं संभाल पा रहे, स्वामी जी ने उन हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, कमाल कर दिया है ये स्वामी जी ने, तो ये हिप्पीज को बदल दिया। सो दैट वाज एसोसिएशन, प्योर एसोसिएशन ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद। प्रभुपाद जी खुद अपने हाथों से कुकिंग करते थे इनके लिए, कुकिंग करके इनको खिलाया करते थे। और इस प्रकार से जब श्री प्रभुपाद जी ने इनको अपने हाथ से बना प्रसाद खिलाया, इनके साथ बैठे कीर्तन किया, ये लोग बदतमीज हैं, इनको होश नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी इनको सहन करते थे। ऐसा प्रभुपाद जी इस समय लेक्चर दे रहे थे, व्यक्ति खड़ा हो गया, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड, प्रभुपाद ने कहा प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। वो फिर खड़ा हो गया थोड़ी देर बाद, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड, प्रभुपाद ने कहा प्लीज आप बैठ जाइए ना, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। फिर खड़ा हो गया 5 मिनट बाद, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड, प्रभुपाद ने कहा आई एम कॉन्स्टेंटली सीइंग गॉड, पर आप जो खड़े हो जाते हैं दिखना बंद हो जाता है, सो आप बैठ जाता है दिखता रहा। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्रभुपाद जी इस समय लेक्चर देते हैं, ही वाज गिविंग भगवद गीता लेक्चर टू दिस वन अमेरिकन गाय, नीचे बैठा हो, स्वामी जी मेरे को कुछ बोलना है, प्रभुपाद ने कहा मैं पहले बोलूँ फिर आप बोलना, ठीक है अभी आप बैठो आराम से बैठो। फिर प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया, स्वामी जी मेरे को कुछ बोलना है, प्रभुपाद ने कहा मैं बोलूँ ना, एक बार मैं बोलूँगा फिर आप बोलना, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद, मेरे को भी कुछ बोलना है, प्रभुपाद जी ने भक्त को इशारा किया एक सेब दो और चाकू छुरी दो, प्रभुपाद जी भगवदगीता का लेक्चर देने हैं, सेब छील रहे हैं, उसको सेब पकड़ा के खिलाते जा रहे हैं और लेक्चर कंप्लीट किया प्रभुपाद जी ने। टॉलरेंस, ये प्रभुपाद जी ने संगति दी, देन दे बिकेम द ग्रेट डिवोटीज, प्योर कैरेक्टर वाले, शुद्ध चरित्र वाले स्पिरिचुअल लीडर्स बने बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। सो इसीलिए स्पिरिचुअल एसोसिएशन रखना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसोसिएशन से हमारे डिजायर्स बनती हैं, एसोसिएशन से हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एसोसिएशन। फ्रॉम आवर कंपनी, हमारी कंपनी किन लोगों के साथ है, उठना बैठना हंसना बोलना चालना किन के साथ है, ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी होता क्या है, व्हेन वी आर इन गुड एसोसिएशन, कभी कभी हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड, ये भी नहीं करना चाहिए हमें, नहीं तो फिर से वी कैन गो बैक टू दैट डार्क एसोसिएशन, डार्क कंपनी। सो सी स्टैंड फॉर कंपनी मैनेजमेंट, यस। हमारी लाइफ में आ सकते हैं शकुनी मामा, आ सकते हैं जो कि मन को दूषित कर दें, हमारी लाइफ में मंत्र आ सकती हैं जो कैकई का मन दूषित कर दे,
ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए बुरी एसोसिएशन से हमें बचना चाहिए, बुरी कंपनी से हमें बचना चाहिए। सो सी स्टैंड्स फॉर कंपनी मैनेजमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस इसमें है कि आपके आसपास के लोग क्या आपसे खुश हैं। देखिए अगर तो बहुत ईगोइस्टिक लोग हैं वो तो हमेशा दुखी रहेंगे, वो तो कभी भी दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे वो। पर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आता है मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स। कभी कभी लोग ना दुनिया में झंडे गाड़ने के चक्कर में अपने रिश्तों को किनारे कर देते हैं और अल्टीमेटली वो अकेले बैठे होते हैं वहां पर। आई वॉन्टेड टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम सिटिंग ऑल अलोन देयर, अकेले बैठे हैं। मेरे एक दोस्त था, उसका लक्ष्य रहा करता था हर 3 साल में अपने बॉस का बॉस बनना। मैं सोचा हुआ था, कहता भाई अपना टारगेट बड़ा सिंपल है, बॉस का बॉस बनना। अब ये करते करते वो आकर वाकई में ही रीच ऑन द टॉप ऑफ द मैनेजरियल हायरार्की। लेकिन वहां पर उसका कोई अपना होगा क्या? क्यों सब मानते हैं अरे ये सिर्फ इंसान को इस्तेमाल करता है, दैट्स इट। सो मैनेजिंग रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एक हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ की तस्वीर लगाई हुई थी ऐसे, और उस पर ना डांट लगा रहा था। ओए यार हमेशा यहां वाले जाता है, इसकी नाक पे मारता हूं। तभी ना इसकी वाइफ का फोन आ गया, कहते हेलो, कहते हाँ यार हेलो, बोलो बोलो, तुम क्या कर रहे थे? कहते नथिंग, जस्ट मिसिंग यू अगेन एंड अगेन। तो ये दिस पर्सन वुड बी हैप्पी इन हिज लाइफ? नो। मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, रिश्तों को संभालना। अच्छा आप देखिए लाइफ में दो चीज़ होती है, एक होता है मैनेजर, एक होता है लीडर। लीडर का काम ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्यों? क्योंकि मैनेजर चीज़ों से डील करता है, लीडर लोगों से डील करता है। सबके साथ चलना किसी का दिल तोड़े बिना, वो बड़ी बात है। अगर किसी व्यक्ति के आसपास लोग हैं और सबके सब खुश हैं, इसका मतलब इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए। ये बहुत गहरी बात है। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस किए होंगे ना, उसे आसपास के लोग उसे खुश होंगे, बिकॉज दिस पर्सन हैज लेफ्ट हिज कंफर्ट जोन फॉर हिज पीपल। रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी इवन आर्गुमेंट में हारना भी होता है। ठीक है भाई हम हारे आप जीते, क्योंकि मेरे लिए रिश्ता जरूरी है। मैनेजिंग आवर रिलेशनशिप। पर यूजली कई लोग होते हैं जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं कर पाते, रीजन भी अपने मन के अनुसार वो दुनिया को देखते हैं और उस प्रकार से दुनिया और रिश्तों को कंक्लूड करते हैं। जैसे एक बार एक ताऊ जी थे, उनके बच्चों ने क्या किया, सड़ा हुआ चीज लिया, उनकी मूछों पे लगा दिया और सो रहे थे। तो उठे, अरे कमरे से सड़ी बदबू कैसे आ रही है, एक कमरा तो बड़ा सड़ा सड़ा सा है। जो दूसरे कमरे में जा, दूसरे कमरे में गए, कहते ये कमरा भी सड़ा हुआ है। तो किचन में गए, क्या किचन में सड़ा हुआ है, तो सारा घर सड़ा हुआ है। तो बाहर जाता हूँ, बाहर गार्डन में गए, ओहो सारी दुनिया सड़ी हुई है। सही है नहीं? नहीं सर, सड़ा हुआ चीज लेके आप ऐसे घूमोगे अगर अपनी मूछों में, तो सारी दुनिया सड़ी नजर आएगी। जिनका मन ही सड़ा हुआ होता है उनके रिश्ते भी सड़ जाते हैं। क्या सब सड़े हुए हैं, ये भी सड़ा हुआ है, वो भी सड़ा, सब सड़े हुए हैं, पर समय असर आप सड़े हुए हैं। जैसे कुछ लोग ना पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स सब जगह पॉलिटिक्स है यार, सब जगह पॉलिटिक्स है। बताए घर में जाता हूँ ना पॉलिटिक्स, ऑफिस में जाओ पॉलिटिक्स, इवन यार मैं तो मंदिर भी गया ना, सब जगह पॉलिटिक्स है भाई। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया था इस्कॉन द्वारका में, कहते हैं आपको पता है मंदिर में क्या चल रहा है, आपको पता है मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है, भगवान की पूजा चल रही है, यही चल रहा है। नहीं 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 अंधे हो गए आप। अच्छा ओके, मैंने कहा तो आप बताइए क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने कहा चल तो रही है लेकिन एक जगह चल रही है। कहते कहाँ? मैंने कहा तुम्हारे खोपड़े के अंदर। तो जैसे हम होते हैं हमको वैसी दुनिया नजर आ रही होती है। जिनके अंदर रडार होता है पॉलिटिक्स का, उनको सब जगह पॉलिटिक्स नजर आती है। घर में पॉलिटिक्स, ऑफिस में पॉलिटिक्स, सड़क पे पॉलिटिक्स, मंदिर में पॉलिटिक्स, छत पे पॉलिटिक्स, पशु पक्षियों में पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। पर है कहां पर? यहां। और इसके अनुसार क्योंकि हम अपने रिश्तों को निभाना चाह रहे होते हैं,
रिश्ते फेलियर हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, जो चीज नहीं है ना उसके पीछे दौड़ते रहना, काश 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 करते करते आकाश चले जाते हैं। काश एक समय एक टीचर ने क्या किया, टीचर ने ना 5 बकरियां ली और बच्चों को बोला, 5 बकरियां ऐसी 4 बकरियां थी और उनके ऊपर ना प्लेट लगा दी 1, 2, 4, 5 और बच्चों को बोला, बच्चों मैंने ना बकरियां छोड़ दिया स्कूल में, देखते हैं कौन बकरियां लेकर के आता है सारी। तो बच्चे ले आए 1, 2, 4, 5 चारों ले आए, कहते यार तीसरी नहीं है यार, वो 3 नंबर वाली कहाँ गई, वो बेंच के नीचे, बेंच के ऊपर, यहाँ वहाँ, छत में, यहाँ सब जगह, टॉयलेट में, बाथरूम में, प्रिंसिपल मैम से, मैम मे आई कम इन मैम, थैंक यू मैम, क्या ढूंढ रहे हैं वो, 3 नंबर की बकरी। 3 नंबर की बकरी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और पूरे स्कूल मतलब ऊपर नीचे कर दिया उस 3 नंबर की बकरी को ढूंढने में, पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह से रिश्तों में भी कभी कभी ऐसा होता है, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज विच आर नॉट देयर इन द अदर पर्सन, पर उस बात को स्वीकार करना चाहिए। पर 1, 2, 4, 5 वाली तो बकरियां हैं उनके अंदर, अच्छी क्वालिटी वाली वो तो हैं, पर वो जो नहीं है उसको लेकर के अबे यार अबे यार अबे यार अबे यार मजे ही करते रहते हैं। जैसे दांत में कभी सौंफ लगी हो, सौंफ फंसी होती है, जीभ कहाँ जाती है, जहाँ सौंफ फंसी हुई है। तो यार तू रोहिणी जा रहा है, मेरे को भी ले जाइए यार, तू वहां डिस्कवर योरसेल्फ करेगा, तू बहुत बड़े कोर्स है वो, तो मेरा भी रजिस्ट्रेशन करा दे यार, मैंने सुना है सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बाद वो रजिस्टर करेंगे, इसमें जरूर करना चाहिए हम लोग। बाबा जीप कहां जाएगी, जहां पर सौंफ फंसी होगी। इसी तरह से रिश्तों में जो चीज मिसिंग होती है उसको लेकर के क्रिप करते रहना, काश ये क्वालिटी होती, काश ये अच्छा रहता, ये होता तो कितना अच्छा होता, ये होता तो कितना अच्छा होता, ये करते 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 लोग अपने रिश्तों का सत्यानाश मान लेते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, वो है ग्रेटिट्यूड। हमारे कभी बोल देते हैं कि यार हमारी दोस्ती है, नो सॉरीज नो थैंक यूज, हमने सुना, लेकिन एक्चुअली हमें सॉरी बोलना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। सुनने बहुत कूल लगता है, हमारे रिश्ते में नो सॉरीज एंड नो थैंक यूज, बट नो, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड वी शुड एक्चुअली से सॉरी। हम सॉरी कब नहीं बोल पाते, तो अंदर की ईगो बोल रहे थे, हम क्यों झुके, हम क्यों झुके, हम ही क्यों जी, वो झुके ना, हम क्यों झुके। ये कौन बोल रहा है, बुद्धि या ईगो? And that's why it's a saying, there is a saying, relationships do not die a natural death, they are always murdered by ego. रिश्ते कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरते, रिश्तों का हमेशा मर्डर किया जाता है, किसके द्वारा? ईगो। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का बच्चों के साथ रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते का मर्डर तो ईगो ही करती है। तो इसीलिए ये जो रिलेशनशिप मर्डर है, और ये सीरियल किलर ना, ये ऐसे नहीं इसने एक दो का किया हो फिर शांत हो गया हो, ना 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 ना, रिश्तों का मर्डर होता है तो ईगो से होता है वास्तव में। तो हालांकि दुनिया के अंदर लोग प्रेम की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रेम होता क्या है किसी को पता ही नहीं है। जैसे हमने एक समय एक उक्र का था, ही वाज़ फ्रॉम बंगाल, तो हमने उसको बोला तेको पिज्जा आता बनाना, कहता है हाँ मैं जानी बे पिज्जा बनाना जानता हूँ मैं, उसने बंगाली पिज्जा बनाया उसने, तो हमने खाया, हमने कहा ये पिज्जा है, कहते ये पिज्जा है प्रभु जी। तो हम हमारे यहाँ पे एक भक्त है जो जिन्होंने एक्चुअली पिज्जा खाया हुआ है, बोले प्रभु ये पिज्जा का विकृत रूप है, इट इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ पिज्जा, बट दिस इज नॉट पिज्जा। तो जो पिज्जा नहीं है उसको पिज्जा मान के चलना बिल्कुल वैसे ही है जैसे जगत के अंदर जो प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको प्यार लेके चल रहे थे लोग। एक्चुअली प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम का मतलब सेवा है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग रिलेशनशिप विद सर्विस, सेवा। ये भगवान का भक्तों का रिश्ता सबसे खूबसूरत क्यों है, क्योंकि निस्वार्थ है और इसमें भर भर करके सेवा है।
भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते भक्त के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, और भक्त अपनी शक्ति का कोई हिस्सा नहीं छोड़ता उनकी सेवा करने में. एंड दैट्स वाई द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट सेल्फलेस, मोस्ट सब्लाइम, मोस्ट स्पिरिचुअल, मोस्ट एवर लास्टिंग रिलेशनशिप इज बिटवीन गॉड एंड द डिवोटी. सो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अगर किसी को सीखना है ना अगर, तो हमें भगवान से और भक्तों से सीखना चाहिए. इनके रिश्तों कोई नहीं तोड़ सकता, नो बडी इन दिस वर्ल्ड. बाकी सब रिश्ते टूट जाते हैं. इवन लैला मजनू का रिश्ता भी मृत्यु के बाद तो भी टूट जाता है. भाई मजनू था वो टंगड़ी तोड़ता था, वो गया नर्क. लैला थी वो वेजिटेरियन थी और थोड़ा चैरिटी देती थी, वो गई स्वर्ग. ओके बाय. अल्टीमेटली रिश्ते खत्म हो जाते हैं जी बाय डेथ. भले ही कोई बोले 7 जन्म का रिश्ता है, नहीं सर 7 जन्म का रिश्ता नहीं है, दोनों कर्म होते हैं वो हिसाब से. बस फिर जो मजनू था उसको वहाँ अपनी को जूलियट मिली, लैला को अपना रोमियो मिला, लाइफ गोज ऑन. तो रिश्ते जब उनमें सेवा नहीं होती, स्वार्थ होता है, भोग की इच्छा होती है, रिश्ते टिकते नहीं है. वन ऑफ द रीजन आर डिवोर्स रेट पूरी दुनिया के अंदर इस 44% ऑन एवरेज बता रही मैं. कुछ ऐसे कंट्री भी हैं जैसे स्पेन जैसे कंट्रीज हैं जहाँ पर 80% भी है डिवोर्स रेट. अमेरिका के अंदर इस 40% ऑन एन एवरेज इज 44% डिवोर्स रेट. मतलब 100 में से 44 शादियाँ तलाक तलाक तलाक. क्यों? क्योंकि शक्ल देख देख के पक गए हैं उसके, वही सड़ी सड़ी बातें पक गए. हमने कहा छोड़ो यार, बेकार आदमी है, बेकार लड़की है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट मीन्स रिलेशनशिप शुड बी ड्रिवन बाय सर्विस, सेवा की भावना, वेरी इंपॉर्टेंट. और सर्विस के लिए हमें अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ता है, और जो हमने नेगेटिव माइंडसेट रखा हुआ है उससे निकलना होता है. समटाइम्स अ पर्सन इज नॉट दैट बैड, इट इज जस्ट दैट वी हैव एज्यूम द पर्सन टू बी दैट बैड. एक्चुअली एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैन बी रियली डिसेप्टिव. मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता इन कनॉट प्लेस. एक बहुत ही बढ़िया जेंटलमैन व्यक्ति था, एकदम 3-piece suit, रीड एंड टेलर, चकाचक. मुझको लगा यार ये बंदा गीता ले लेगा, जेंटलमैन दिखता है. और मैं उसके पास मैंने कहा सर वी लाइक टू हैव भगवत गीता सर, इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ, अमेजिंग बुक, मास्टरपीस, प्लीज आई एम एन एथियस्ट. और गुस्सा होकर वहां से मैंने कहा दिख तो ये बढ़िया था यार, पैकेजिंग इतनी अच्छी थी, अंदर ये कॉन्टेंट. तो ये मुझको ना पुलिस वाले ने देख लिया, उसकी लाल आंखें, काले दांत, पिंपल के धब्बे वाले उसका चेहरा, हाथ में मोटा सा लट और बड़ी सी तोंद उसकी निकली हुई थी. अरे पंडित कल बेटा हम मोगली लदास आज पिटा बेटा तू. नहीं कोई नहीं यार, गीता डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी पिटाई बनती है. कहना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कहेंगे जी ये थोड़ा भगवत गीता हम लोग बांटते हैं ना, कितने के दे रहा है? कहा जी ये 100 रुपये की देते हैं हम लोग. 100 रुपये की दे रहा है तो 200 पकड़ दो दे दे. मैंने कहा ओह माय गॉड, ये जल्लाद जैसा दिखने वाला व्यक्ति. मुझको लगा था पिटूंगा. सो अपीयरेंसेस कैन बी रियली डिसेप्टिव. इस दुनिया के अंदर लोग रिश्ता किसे बनाना चाहते हैं? जिसकी पैकेजिंग अच्छी हो उससे. पर पैकेजिंग के अंदर असली माल तो अंदर होता है. और यूजली होता क्या है, All bluff, no stuff is in nice packaging. All bluff, no stuff is with nice packaging. And all stuff and no bluff is having no packaging. लेकिन दुनिया किसमें चलती है? Packaging. कि जिसकी packaging अच्छी होगी रिश्ता तो उससे बनाएंगे. नहीं सर उसके अंदर का माल कहता है, अरे अंदर का माल छोड़ो यार, बाहर का माल देखो टका टका एकदम. जिसके six pack, biceps, triceps, Alexander Cheeks. ये बंदा यार क्या बात है. जो लड़की अगर ऐसे बाल कर दे, ऐसे बाल कर दे, हरे कृष्णा क्या बात, वेरी गुड. तो इस दुनिया के अंदर पैकेजिंग रियली मैटर्स. लेकिन पैकेजिंग से इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके अंदर का कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. जैसे कई बार लोग बड़े हैंडसम होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, बट दे आर नार्सिसिस्ट. यू नो व्हाट इज नार्सिसिस्ट? सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, सेल्फ ऑब्सेस्ड. और उनको भी नहीं पता होता दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड. अच्छा ये कैसे पता करें हम नार्सिसिस्ट हैं कि नहीं है?
अगर आप शीशा देखने के लिए बड़े उतावले रहते हैं एंड यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर अपीयरेंस, ऐसे ऐसे दैट मींस दिस पर्सन इज नार्सिसिस्ट. और अगर कोई नार्सिसिस्ट से अगर कोई रिश्ता बनाना चाहे वो सो डिफिकल्ट. लेकिन नार्सिसिस्ट की खास बात क्या होती है? वेरी गुड पैकेजिंग. इसलिए दुनिया में ज्यादातर लोग धोखा किस में खाते हैं? बिकॉज ऑफ नार्सिसिज्म. सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग जिनको कि मेनिया है खुद को लेकर के, ऐसे लोगों से क्या रिश्ता बनाएंगे बाबा? सो डिफिकल्ट. सो इसलिए वी शुड गो फॉर द इनर कॉन्टेंट देन द एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन. अंदर का कॉन्टेंट बहुत जरूरी है. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके नाउ ई, ई स्टैंड फॉर इमोशनल मैनेजमेंट. हमारे इमोशंस को भी मैनेज करना आना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो. अगर आप भावनाओं में बह गए फिर सफलता नहीं मिलने वाली. सफलता के बाद बढ़ रहे थे लेकिन आप फिर भावनाओं में बह गए और कुछ और कर बैठे. कहते अरे भाई तुम क्या करो? कहते क्या करूँ मैं भावनाओं में बह गया. अरे अपने इमोशंस को भी मैनेज करना आना चाहिए हमें. देखो तो टाइम मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में चला करता था. वी वॉन्ट पीपल विद गुड आई क्यू. जो तिगड़मी लोग हों ऐसे लोग रिक्रूट करिए आप. आप क्यों हम आप उसके लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है उसमें हाई आईक्यू वाले लोग ही के हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन हुए. पता लगा ये है बड़े तिगड़मी लोग. बहुत बढ़िया. लेकिन बाद में होता क्या कंपनी के अंदर जितने बढ़िया बढ़िया घपले होते थे ये तिगड़मी लोग करते थे. दिमाग बढ़िया है ना लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है उसका. वैसे बहुत बढ़िया रैम शैम धूम धड़ाका बढ़िया उसके अंदर लेकिन अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है उसका. तो इसलिए हाई आईक्यू वाले लोग सबसे ज्यादा स्कैम करते हैं. Like there was one person, he wrote one book, 101 ways to convert black money to white money. और बिजनेसमैनों ने धड़ल्ले से किताब खरीदी है. बैन हो गई थी किताब, उसकी फोटो कॉपी बिकी हुई. पर जिसका दिमाग था उसने देखा ना सारे सिस्टम में कहाँ का लूप होल है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे करना है. तो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू वाले लोग ये चेंज करो, लेट्स गो फॉर गुड ईक्यू, इमोशनल कोशेंट. कुछ भावनाएं तो हों उसके अंदर, इमोशंस तो हों उसके अंदर, इंसानियत तो हो उसके अंदर. आईक्यू क्या करेंगे जी, ये तो कंपनी डुबो दें हाई आईक्यू वाले तो. हाँ भाई न्यू साइकोमेट्रिक टेस्ट, अच्छी ईक्यू वाले लोग रिक्रूट करने शुरू किए गए. लेकिन अच्छी ईक्यू वालों के साथ क्या है, इनके अंदर इमोशंस इतने हैं कि कभी कभी इमोशंस में आकर के काम ही नहीं करते थे. बस नहीं होगा काम जी, नहीं होगा, आई एम इमोशनली ब्रोकन डाउन, नहीं होगा जी हमसे, नहीं हो पाएगा, दारू लाओ. So, हाई इमोशनल क्वेश्चन वाले कहते हैं ये इमोशनल वालों कौन संभालेगा भाई, ये तो टिश्यू पेपर गीले करते रहते हैं. क्या बंदा तो सही है लेकिन कभी कभी टूट भी जाता है यार. अब क्या किया जाए? आईक्यू वाले को आईक्यू तो हमने संभाली ईक्यू से, लेकिन ईक्यू वाले के इमोशंस कौन संभाले अब? फिर आई बात एसक्यू की, स्पिरिचुअल क्वोशंट. जिनका स्पिरिचुअल क्वोशंट अच्छा होता है वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं और इमोशंस जब अच्छे होते हैं तो आईक्यू को मैनेज कर पाते हैं. तो इसे आईक्यू संभाले ईक्यू, ईक्यू संभाले एसक्यू, ये है कंप्लीट चीज मास्टर. तो तब इमोशंस मैनेज हो पाते हैं. ये दुनिया अगर आप देखें ना, दुनिया चलती किससे है? इमोशंस के अनुसार चलती है. पीपल सी द वर्ल्ड विद इमोशंस, जैसे उनकी इमोशंस हैं. जैसे बहुत ही अच्छे भक्त, उनका नाम था समर्थ रामदास जी, श्री राम जी के भक्त थे. और इन्होंने ना अशोक वाटिका का वर्णन किया कि अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सफेद रंग के फूल खिले थे जी. अब जिस प्रकार से कथा कर रहे थे राम जी कथा, तो हनुमान जी वहां पर आए, कहते हैं नमस्ते जी, प्रणाम, जय सिया राम. अभी आप वो कथा कर रहे थे ना, अब बता रहे थे कि अशोक वाटिका में सफेद रंग के फूल थे. मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा आपको, लाल रंग के फूल थे, लाल रंग के. समझ रामदास जी ने कहा, देखिए हनुमान जी तुम्हारा सौभाग्य है हमारी कथाओं में आए, लेकिन मुझे अपने गुरुदेव पे पूरा विश्वास है, उन्हें हमें बताया है कि फूल सफेद रंग के थे, सफेद रंग के ही थे. हनुमान ने कहा एक मिनट, मैं वहाँ खुद था तो इसीलिए वो लाल रंग के फूल थे. समर्थ रामदास जी ने कहा, देखिए आप भले ही वहाँ गए होंगे लेकिन मेरे गुरुदेव झूठ नहीं बोल सकते, मेरे गुरुदेव सिद्ध पुरुष थे, राम जी के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने मुझे बताया है कि फूल तो जी सफेद थे. हनुमान जी, अरे आप समझ नहीं रहे इस बात को, मैंने खुद देखा है. देखा होगा आपने लेकिन मैं जानता हूं मेरे गुरु महाराज गलत नहीं बोल सकते, सफेद थे. यार ठीक है,
एक और व्यक्ति है जो कि वहां पर ही थी और वो थी सीता मैया। सीता मैया से पूछ रहे थे ना, अरे बुलाइए जी, रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो सीता मैया का आपको प्रणाम करके उनको आह्वान किया, सीता मैया प्रकट हुई। जय हो सीता मैया की जय। सीता मैया भाई आप बताइए, अशोक वाटिका में फूलों का रंग क्या था? अब ध्यान से सुनिएगा बाप, समर्थ रामदास जी ध्यान से सुनिएगा बाप। फूल जल गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके राम भैया, तो सीता मैया ने कहा अशोक वाटिका में फूल ब्लू कलर के थे। लो जी, हमने सोचा था सीता मैया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हमारी हेल्प करेंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। समर्थ रामदास जी ने कहा देखिए फूल तो सफेद रंग के थे, मैं बता रहा हूँ। कहता अरे सीता मैया ने कहा मैं वहां रही हूँ 10 महीना, मैं खुद रही हूँ वहां पर, नीले रंग के थे। हनुमान जी ने कहा सीता मैया वैसे तो आप सच ही बोलेंगी लेकिन लगता है कोई गलतफहमी होगी, लाल रंग के थे। सीता मैया ने कहा मैं वहां थी, ब्लू थे। समर्थ रामदास जी ने कहा देखिए आप दोनों भगवान की लीलाओं से हैं लेकिन बात बोलूं सफेद थे। या तो यही डिसाइड करता है, ऐसा करते हैं राम जी को बुलाते हैं, राम जी तो देखो ओमनिसिएंट हैं, ही इज ऑल नोइंग, राम जी से पूछते हैं। तो राम जी आए, राम जी ने कहा देखो सीता मेरी अर्धांगिनी है और मुझे बड़ी प्रिया है और हनुमान जैसा सेवक तो कोई हो ही नहीं सकता, अद्वितीय है। लेकिन एक बात बोलूँ, समर्थ रामदास जी सही बोल रहे हैं, फूल सफ़ेद ही थे। सफ़ेद थे लेकिन हमको लाल दिखे। कहते हाँ बिल्कुल, तुम्हारे इमोशंस गुस्से वाले थे कि कैसे ऐसे कैसे सीता मैया का रखा, रावण तेरी ऐसी तैसी, लाल लाल आंखों से हमने पूरी दुनिया देखी तो सफ़ेद फूल भी आपको लाल दिखाई दिए। और सीता क्योंकि तुम मेरे विरह में हमेशा अश्रु बहाती रहती थी, उन अश्रुओं के थ्रू तुम देखती थी तो तुमको ब्लू नज़र आते थे वो, पर असल में वो ना ब्लू थे ना रेड थे, वो समर्थ रामदास जी उनके गुरु जी ने बिल्कुल सही बताया, उनका विश्वास हमने गुरु के अंदर, फूल तो सफ़ेद थे। नो डाउट हनुमान जी का जो गुस्सा है वो ऐसा नहीं हमारे ऐसा ना। तो हनुमान जी ऐसा नहीं, उनका गुस्सा हमारे जैसा है, उनको गुस्सा अगर लाल लाल हो गए वो है ना, तो उनका दिव्य, उनका गुस्सा करना भी दिव्य है। इसलिए गुस्सा हुए थे तो आग जब लगाई लंका में तो भीषण का घर नहीं जलाया और अशोक वाटिका में आग लगाई, ऐसा नहीं आग जला दी, जला दो भस्म कर दो सीता में, ऐसा नहीं था। तो यानी क्रोध भी क्या था, तो क्रोध अपने कंट्रोल में था, उनके वश में था। लेकिन वास्तव में जैसे हमारे इमोशंस होते हैं उसी हिसाब से हम दुनिया को देखते हैं। भाई जो डिप्रेशन में लोग होते हैं बेसिकली उन्हीं क्या है, उन्होंने चश्मा लगा के रखा है, किसका? काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे डिप्रेशन का काला काला चश्मा। इन्हें क्या रखा है ज़िंदगी में जी, क्या रखा है ज़िंदगी में, बस खाएं सोएं हगें, बस ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और क्या लाइफ में जी, मर जाओ, ये फिनाइल है लाइजॉल, जीने का मन नहीं करता जी। अच्छा है, नाइस लाइफ, पर लोग डिप्रेशन भी कब आते हैं, बिकॉज क्योंकि उनके अंदर डार्कनेस है, उनके इमोशंस में डार्कनेस है, इसलिए सब कुछ निरर्थक नजर आता है, बिना किसी मीनिंग के नजर आता है। क्या है जी, क्या है, ये कुछ नहीं है लाइफ में, क्या है, बच्चों की शादी हो चुकी, घर जा चुके हैं, हम क्या करें, हम खाएं पिए दवाइयाँ खाएं और क्या चल रहा है, बस मरो यार और क्या, तू ही मर, मर ये ले दो हैं। सो इसीलिए होता है, सो दैट इज जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, सो दैट इज इमोशंस को मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है, और इमोशंस मैनेज होते हैं स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म के द्वारा इमोशंस मैनेज होते हैं। तो ई इज इमोशनल मैनेजमेंट, ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है टी, टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको सफल होना है टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए, पर एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो चलता है प्रायोरिटी मैनेजमेंट में। जो लोग ये मानते हैं टाइम मैनेजमेंट मीन्स आप इस तरह से चीजों को संभाल लेंगे कि आपके सारे काम होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपकी जो प्रायोरिटी में है उसको टाइम दे करके अगर टाइम बचता है तो वो कुछ काम भी हो जाएंगे, अदरवाइज सारे काम नहीं होते। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिससे सारे काम हो जाते हैं, भगवान। बाकी हम सोचें हमारे सारे काम हो जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट सेमिनार अटेंड करके आऊंगा, मैं सारे काम कर लूंगा।
टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रायोरिटी मैनेजमेंट. जिस चीज की प्रायोरिटी होगी उसके लिए टाइम निकलेगा ही निकलेगा. 14 फरवरी को टाइम निकल आता है. भले ही को बंदा कितना काम में बिजी हो, दुर 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 उसी उंगलियां चल रही है, कहता तू कुछ खाएगा नहीं, लंच नहीं करेगा. नहीं सर, किससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है. प्रायोरिटी है ना, मिलना है 5 बजे उससे कैफे कॉफी डे में. तो उंगलियां चलती है तर 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 तर, ऐसी उंगलियां तो माई गॉड, बॉस भी हैरान होता है भाई. नाइस, उसका वीडियो बनाकर सर्कुलर होता है, इसी उंगलियां देखिए. इन्हें कमाल की बात है, 14 फरवरी को ऐसी उंगली चलती है. क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी, हर वो चीज़ जो प्रायोरिटी में है उसके लिए टाइम निकलेगा. जैसे कई बार लोग बोलते हैं बस हमें अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए देखिए टाइम नहीं है हमारे पास. सर वो चीज़ प्रायोरिटी में नहीं है ना, इसके लिए उसके लिए टाइम नहीं निकलने वाला. ऐसा कई लोग पढ़ नहीं पाते, स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ पाते. सर वो प्रायोरिटी में है. हाँ बस एक बार सारे काम हो जाए पढ़ेंगे फिर. क्या कभी ऐसा होगा कि मतलब आप देखें आपको सारे काम हो गए, सारे काम हो गए हैं, भगवदगीता कहाँ है, भगवदगीता सामने पड़ी है, यहाँ पर परियाँ आई हुई हैं और गा रही हैं, आज आप गीता पढ़ेंगे, आज आप गीता पढ़ेंगे, बोलो जी आज आप गीता पढ़ेंगे, आज आप गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, आहा गीता पढ़ेंगे. ओहो ऐसा होता है, ऐसा होने वाला है. बस तो फिर भाई जो चीज़ भाई आपकी प्रायोरिटी में नहीं है उसके लिए टाइम नहीं निकलना, और जो चीज़ प्रायोरिटी में है उसके लिए टाइम निकलेगा ही निकलेगा. सो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रायोरिटी मैनेजमेंट. तो इसीलिए हमें देखना चाहिए किस चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि लोग ये चीज़ देखते नहीं, प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है. इसीलिए पूरा दिन किसे बीत जाता है, मोबाइल फ़ोन में एंटायर डे. अब ये नई चीज़ आई है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स क्या है, एक होता है वीडियो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का. अरे 15 सेकंड में क्या आपने देखा, 15 सेकंड, अगला 15 सेकंड, अगला 10 सेकंड, करते करते 1.5-2-3 घंटे. तो अरे भाई 3 घंटे बीत गए. हमने सोचा था शॉर्ट्स देखने में तो कोई खराबी नहीं है, या इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स, पर बहुत सारे शॉर्ट मिला देना अगर तो शॉर्ट नहीं रहते वो, फिर बड़े बन जाते हैं और हम लाइफ में सांभर बड़े बन जाते हैं. तो इसलिए हम चाहते हैं दैट इज अपनी लाइफ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी आता है, इवन इफ यू वॉन्ट टू डू सम जंकी एक्टिविटीज़ यू शुड हैव सम टाइम अलॉटेड फॉर इट एंड बी वेरी स्ट्रिक्ट टू इट. हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है कौन खराब करता है, द एलिमेंट ऑफ प्लेजर. एलिमेंट ऑफ प्लेजर हमारा सारा टाइम खराब करता है, क्योंकि मोबाइल फोन में है क्या प्लेजर, मजा है यार. क्योंकि मैं लगता है कि ना जो वीडियो बना रहा है बहुत खुश है, पर असल में ये नहीं पता वो वीडियो बनाने से पहले उसका क्या हाल था, उसके बाद का उसका क्या हाल है. लेकिन वो जिसे वो उसमें दिखाया हुआ है कि ओके उसने कुछ कुछ कर दिया ऐसा कुछ मस्ती वाला, इसकी लाइफ तो ऐसी होगी बस उसमें से एक क्लिप निकाली उसने, वैसे लोगों की लाइफ बर्बाद ही है. लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्यों, क्या चीज़ किससे खराब होती है, विद द एलिमेंट ऑफ प्लेजर. जिससे मज़ा आता है हम उसमें और टाइम बिताना चाहते हैं, मज़ा आना चाहिए यार, और मज़ा आएगा मेरे को, और मज़ा आएगा मेरे को. सब कुछ मज़े मज़े के लिए करते रहोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई. या फ्यू थिंग्स वी हैव टू डू आउट ऑफ ड्यूटी. और हम जिसको प्लेजर मान रहे हैं, देर आर हायर प्लेजर्स वेटिंग फॉर अस, पर हम ऊंचे प्लेजर की ओर जा नहीं पाते, रीजन भी हम टुच्चे प्लेजर में फंसे रहते हैं. इसीलिए तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी है दैट वी शुड हैव लक्ष्य. हमारा लक्ष्य होना चाहिए ऊंचा लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए, देन वी कैन मैनेज टाइम एक्चुअली प्रॉपरली, अदरवाइज नॉट, वी कैन नॉट डू दैट. तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं सफल हों तो उसके लिए बहुत जरूरी है वी शुड रेस्पेक्ट टाइम. टाइम काटने के लिए नहीं है. कई लोग पूछना आप क्या कर रहे हैं, बस समय काट रहे हैं. तो समय कहता है बेटा हम तुम्हें भी काटेंगे एक दिन, टिट फॉर टैट. तो इसे समय की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. समय जो है भगवान की शक्ति है, कालो अस्मि, कृष्णा सेज आई एम द टाइम फैक्टर. सो बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, बाय बिकमिंग स्पिरिचुअल, वी स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम इफ यू आर रियली कृष्णा कॉन्शियस. हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं लाइफ के अंदर. हमारे डिवोटीज हैं 16 माला जब भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेक्चर भी सुन लेते हैं, लेक्चर दे भी लेते हैं, प्रसाद भी पा लेते हैं. कहते आप कैसे करते हैं, कहते ये तो जो हमें भी नहीं पता, लेकिन
हो जाता है. बट एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम बीइंग कॉन्शियस अबाउट लॉर्ड श्री कृष्ण. बिकॉज कृष्णा सेज कालो अस्मि, आई एम द टाइम फैक्टर. तो जो काल, जब भगवान की शक्ति है, यानी काल के मालिक कौन? भगवान श्री कृष्ण. सो मोर वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, सो काल फिर उसकी भी सेवा करता है जो इनकी सेवा करता है. टाइम सर्व्स दैट पर्सन एक्चुअली. इन दिस वे बिकम मोर एफिशिएंट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज एक्चुअली. ऐसे कई रिपोर्ट देते हैं दे शेयर कि पहले जो काम करने में हम 12 घंटे लगाते थे और वो काम 7 घंटे में हो जाता है. सो बाय बीइंग स्पिरिचुअल टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको टाइम और मिल जाता है. ऐसा होता है एक्चुअली. सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एफर्ट्स मैनेजमेंट, सी स्टैंड्स फॉर कंपनी मैनेजमेंट, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ई स्टैंड्स फॉर इमोशन मैनेजमेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम मैनेजमेंट. सो दिस इज एस ई सी आर ई टी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस. हरे कृष्णा. Thank you.